वी आर बीइंग लूटेड, वी आर बीइंग रॉब्ड। आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। He's entered politics. What is his status? चर्चा सबकी चर्चा, मेरी भी तो चलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। आम आदमी पार्टी इज मोस्ट करप्ट पार्टी, वी हैव लॉट ऑफ होप फ्रॉम देम। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल गरीबों के मसीहा, एक एक्स IRS ऑफिसर जिन्होंने जनता की सेवा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और ईमानदारी और सत्याग्रह के दम पर अपनी आम आदमी पार्टी खड़ी की। साल 2013 में इतिहास में पहली बार 15 साल से दिल्ली की सिटिंग CM शीला दीक्षित जी को हराया और अपनी सरकार स्थापित की, और आज खुद पिछले 15 सालों से दिल्ली में इनकी सरकार। Shiv, we have just been told that Arvind Kejriwal has won from the New Delhi constituency. लेकिन फिर 21 मार्च 2024 को ईडी इन्हें लिकर स्कैम करने के लिए अरेस्ट कर लेती है और इन पर आरोप लगता है इन्होंने 100 करोड़ रुपयों का घोटाला किया। अब इस मुद्दे के बाद पूरा देश दो गुट्ठों में बट गया। एक साइड ये बोल रही है कि अरविंद जी का अरेस्ट BJP की एक चाल है, इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गया है जहां तानाशाह मोदी सबसे पहले अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को ही मैदान से साफ कर रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद जी प्रचार ना करें, उनको प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। इनफैक्ट BJP का ये मूव उनके ही नेता सत्यपाल मलिक जी ने आज से एक साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। सो अगर ये प्रीप्लान नहीं था तो चुनाव के एक साल पहले ऐसे बयान देना कैसे पॉसिबल। अब इंडिया में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फिर इस मुद्दे पर US, जर्मनी और UN भी कूद गई, जिन्होंने भी इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ये कहकर कि हम नजर रख रहे हैं इस मुद्दे पर और हमारी उम्मीद है कि सबको इलेक्शन से पहले अपने पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. But एक मिनट, इस सब के विपरीत अरविंद केजरीवाल जी के गॉडफादर, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उनके गुरु अन्ना हजारे जी तो उनके अरेस्ट पर ये कह रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, और उन्हें केजरीवाल जी के इस अरेस्ट पर कोई दुख नहीं हो रहा है। जैसे करने वैसे भरने। केजरीवाल को अटक होते हुए आप देख रहे, कहीं ना कहीं दुख होता है? ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। इनफैक्ट केजरीवाल जी के पुराने दोस्त और आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास जी ने भी सेम ही बात ट्वीट की है। उनके खुद के ही पार्टी के फॉर्मर मेंबर्स बताते हैं कि 68 सीट से इलेक्शन जीतने के बाद केजरीवाल जी के विचार बदल गए। केजरीवाल ने गलत ये किया कि जब वो जीत गया इलेक्शन 67 सीट से, तो उसके विचार बदले मेरे ख्याल से। और इन सब के परे दिल्ली की आम जनता में भी दोहरे ओपिनियंस हैं। जो करप्ट लोग हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक साजिश है, सिलेक्टिव तरीके से सिलेक्टिव लोगों को ही करना, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या सच में मोदी जी भारत के तानाशाह बन रहे हैं? क्या सच में मोदी अपने सबसे बड़े उभरते हुए कॉम्पिटिटर को 2024 के इलेक्शन से पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं? क्योंकि आज केजरीवाल की पार्टी के ऑलमोस्ट 12 बड़े नेता, जिसमें उनके डिप्यूटी CM से लेकर ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी की पूरी कैबिनेट ही जेल में कैद है। और अगर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने जाए ना, तो ऐसे अरेस्ट हमारे देश में पहले भी कई बार हुए, बट कभी भी UN और वेस्टर्न लॉबी ने उन्हें इतना हाइप नहीं किया जितना इस बार किया जा रहा है। इस बार इसी पर्टिकुलर मामले में ये पूरी वेस्टर्न लॉबी हमारे इंटरनल मैटर में क्यों इतनी इंटरेस्टेड है? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम इस पूरे मुद्दे को एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक समझेंगे। इस देश का आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, आम आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता। पूरे ढांचे को उल्टा करना पड़ेगा। नेता और अफसर आगे से सीधे जनता को रिपोर्ट करना चालू करें, ऐसे ढांचे की हम परिकल्पना करें। काम करने के लिए सब तैयार हो जाओ। 1968 में हरियाणा के भिवानी में 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी के दिन केजरीवाल जी का जन्म हुआ और इसीलिए उनके माता पिता उन्हें कृष्ण बुलाने लगे। उनके टीचर का कहना है कि वो बड़े ही शांत, विनम्र पर एक जिम्मेदार और गंभीर विद्यार्थी थे। क्लास के अंदर बहुत शांत, सौम्य, गंभीर, डाउन टू अर्थ, रिस्पॉन्सिबल। उनकी बहन भी ये बताती है कि अरविंद में हमेशा से समाज सेवा के प्रति एक बड़ा झुकाव था और इसीलिए अक्सर वो जो भी बात ठान लेते थे वो करके ही दिखाते थे।
उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था, जो चीज उन्होंने ठान ली तो वो मतलब उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और मतलब उनका समाज सेवा के प्रति शुरू से बहुत ज्यादा मतलब उनका झुकाव है, और इसीलिए IIT क्लियर करने के बाद उनका झुकाव हमेशा से पब्लिक सर्विस की तरफ ही रहा, और इसीलिए उन्होंने 1995 में दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम UPSC पास करके वो एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर बन गए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि इंडिया में भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह फैल रहा था, जो हमारे देश को अंदर ही अंदर से खोखला करते जा रहा था, और इसीलिए केजरीवाल ने ये ठान लिया कि वो अब करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़कर ही रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने 4 साल बाद साल 1999 में अपनी एक NGO परिवर्तन को एस्टैब्लिश किया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, करप्शन के खिलाफ लड़ना। उनकी मांग सिंपल थी, RTI जैसे एक फंडामेंटल राइट के तहत जनता को यह हक होना चाहिए यह जानने का कि सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट किस काम में कितना पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि वो पैसे जनता के पैसे हैं, और इसीलिए जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने देश में लोकपाल और लोकायुक्त जैसे इंडिपेंडेंट बॉडीज होने चाहिए ये डिमांड रखी, जो अनबायस्ड होकर सरकार पे एक्शन ले सके। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग उनके लिए इतनी बड़ी बन गई कि इसके 6 साल बाद 2006 में उन्होंने अपनी IRS की नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और एक फुल फ्लेज समाज सेवक बन गए। फिर उसी साल में ही उन्होंने 2 और NGOs खोले, कबीर और PCRF। अब उनके ये तीनों NGOs का मकसद एक ही था, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से करप्शन को एक्सपोज करना, प्लस पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच एक ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर खड़ा करना, जिसमें जनता भी सरकार से सवाल पूछ सके और उस पर निरपेक्ष जांच पड़ताल हो सके। और इसीलिए उन्होंने सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिसकी इनकम टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह में करोड़ों के स्कैम्स को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच साल 2010 में एक बड़े स्कैम की हेडलाइंस पैन इंडिया लेवल पर एकदम से वायरल होने लगती है, द कॉमनवेल्थ स्कैम ऑफ ओवर 11,000 crores, corruption scams being unraveled every day. Commonwealth Games are in complete chaos. ये पूरे 70,000 crore का स्कैम था, जिसमें क्योंकि ये गेम्स इंडिया में पहली बार हो रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो इसमें हाई क्वालिटी मगर महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन असल में ये गेम्स में तो काफी चीप और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए गए थे और बाकी पैसों का घोटाला कर दिया गया। अब एग्जाम्पल के लिए 40 लाख की बसेस को 60 लाख में खरीदा गया, 90 रुपए के टॉयलेट पेपर्स के लिए 4,000 रुपए खर्च किए गए, और 70 करोड़ का तो खाली बलून डेकोरेशन हुआ था, जिसमें भी 30 करोड़ का स्कैम किया गया। कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। जो साबुन निकालने का डिस्पेंसर होता है, एक कंपनी ने वो डिस्पेंसर दिया 187 रुपए का, वही डिस्पेंसर दूसरी कंपनी ने 9,500 रुपए का, 187 रुपए का माल 9,500 रुपए में लिया। तो बेसिकली ऐसी हर छोटी बड़ी चीजों में स्कैम्स हुए थे, यहाँ तक कि अंत में तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाने के लिए बनी मेन फुटओवर ब्रिज, जहाँ पर गेम शुरू होने वाले थे, वही ब्रिज गेम शुरू होने से पहले ही टूट गया, जिसमें 23 लोग क्रिटिकली इंजर भी हो गए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और केजरीवाल ने अपने इन NGOs की मदद से एक एक करके सरकार और उससे जुड़े लोगों का करप्शन एक्सपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब भी एक दिक्कत आ रही थी, अरविंद जी समाज सेवा तो कर रहे थे पर उनकी आवाज को कोई बहुत बड़ा मंच नहीं मिल रहा था, और ये बात वो भी अंदर ही अंदर रियलाइज कर रहे थे। और तभी उसी के अगले साल 2011 में इसी करप्शन की विडंबना को लेकर आता है हमारे इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट, द अन्ना हजारे मूवमेंट। इसी मूवमेंट में केजरीवाल भी जुड़ गए और इन्होंने मिलकर सरकार से अपनी वही मांग रखी, एक लोकपाल बिल पास हो, जिससे कि एक लोकपाल लोकायुक्त बॉडी एस्टैब्लिश हो सके, जो सरकार के फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को जस्टली ट्रैक करे और लोगों के कहने पर करप्शन के अगेंस्ट एक्शन ले सके। अब ये मूवमेंट दिल्ली के जंतर मंतर से 5 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ और सिर्फ 4 महीनों के अंदर ये मूवमेंट गांधी जी के दांडी मार्च के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट बन गया। इंटरनेशनली भी इस मूवमेंट को इतना सपोर्ट मिला कि USA की 45 सिटीज, इंडिया के 40 सिटीज और ग्लोबली 8 कंट्रीज में लोगों ने 400 किलोमीटर चलकर डांडी मार्च करना शुरू कर दिया इस बिल को पास करवाने के लिए। अब इस मूवमेंट को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए 20 अगस्त से अन्ना हजारे ने भी अनशन शुरू कर दिया था, और ये सब के अंत में
28 अगस्त 2011 को सरकार को इनकी बात माननी ही पड़ी। ये वीडियो उस दौरान का काफी आइकॉनिक वीडियो बन गया था, जिसमें आप देख सकते हो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर विलासराव देशमुख जी अन्ना हजारे को अपने हाथों से लोकपाल बिल सौंप रहे हैं। आज लोकपाल एक ऐसी बॉडी है जो हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में मौजूद होती है, ताकि वो उस डिपार्टमेंट में करप्शन और दूसरे इलीगल मामलों को इंडिपेंडेंटली ट्रैक कर सके। ये बॉडी करप्शन चार्जेस में सिर्फ बिजनेसमैन मिनिस्टर्स की ही नहीं बल्कि पीएम तक की इंक्वायरी कर सकती है। इस एक्ट के तहत अब लोगों के पास भी अधिकार आ चुका है कि वो उस डिपार्टमेंट के लोकायुक्ता के पास जाकर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सो ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्ट साबित हुआ। लेकिन कमिंग टू द आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन से हर एक आम आदमी जो भ्रष्टाचार से परेशान था वो जुड़ गया था, इसीलिए इसके बाद सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को लोग एक आदर्श नेता की तरह देखने लग गए। आम आदमी इनके सामाजिक निष्ठता, ईमानदारी और स्पेशली गांधीवादी आइडियोलॉजी से इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे कि जब केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया तो इनको काफी ज्यादा क्राउड फंडिंग मिलने लग गई। मतलब लोगों ने इनकी पार्टी बनाने के लिए लिटरली अपने जेब से 10-20 रुपए जितने भी पैसे हुए उतने दे दिए क्राउड फंडिंग के रूप में, और उन्हीं पैसों से केजरीवाल ने इलेक्शंस लड़े। आई एम फाइटिंग इलेक्शंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शंस भी ऐसे लड़े कि 15 साल से कांग्रेस पार्टी के प्रोमिनेंट फेस और सिटिंग सीएम शीला दीक्षित को उन्होंने एक झटके में हरा दिया। बीइंग टोल्ड दैट अरविंद केजरीवाल हैज वन फ्रॉम द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी विद ओवर 22,000 वोट्स, दैट्स अ मैसिव मैसिव विक्ट्री। ही हैज डिफीटेड शीला दीक्षित द इनकमिंग चीफ मिनिस्टर। और रातों रात जनता ने 28 दिसंबर 2013 के दिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की। अब अगर गौर किया जाए ना तो केजरीवाल जी की इस मैसिव पॉपुलैरिटी के पीछे जो मेन वजह थी वो थी उनकी गांधीवादी सोच। एक ऐसी सोच जिसका गांधी जी के जाने के बाद से ही एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। कई लोगों को तो केजरीवाल में साक्षात गांधी जी ही नजर आते थे, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो ऐसी कई चीजें हैं जो इन दोनों ही पर्सनालिटीज की सोच और करनी में आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगी। गांधी जी आम लोगों के लीडर थे और अरविंद जी की तो पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, और उनका एक ही नारा है, मैं आम लोगों का नेता हूं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और क्लीन पॉलिटिक्स की डिमांड की। यानी दोनों ने अपनी जिंदगी में करप्शन और सोशल चेंज के लिए अहिंसा से आवाज उठाई। गांधी जी ने सूट बूट त्याग किया था और एक आम आदमी की वेशभूषा वो पहनते थे, धोती और लाठी इस्तेमाल किया करते थे, अपना आराम छोड़कर लोगों के बीच रेल यात्रा किया करते थे। और आज केजरीवाल पर भी आप हमेशा एक ढीली पैंट शर्ट के अलावा कोई शोशा वाले कपड़े नहीं देखो। और इनके पास जो कार है वो भी वैगनार कार है जो उन्हें डोनेशन में मिली है। अब पॉलिटिक्स का तो आपको पता ही है, हर एक नेता एक इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो लोगों से अपने उस इमेज के जरिए जुड़ सके, और केजरीवाल जी के इस इमेज के प्रोजेक्शन को जनता का खूब एक्सेप्टेंस मिला। गांधी जी और अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी भी एक है, ये दोनों भी स्वराज की बात करते हैं। इनफैक्ट अरविंद जी ने इस पर एक किताब भी लिखी हुई है और ये दोनों भी सत्याग्रह में बिलीव करते हैं। गांधी जी भी दांडी मार्च के बाद एक नेशनल लीडर बने थे और गांधी जी के ही नेतृत्व पे चलते हुए दांडी मूवमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल का इंडिया अगेंस्ट करप्शन पहला ऐसा मास मूवमेंट था जिसने विदेश में बैठे इंडियन लोगों के अंदर भी क्रांति की भावना भर दी थी, और इसी मूवमेंट ने भी केजरीवाल को एक नेशनल लीडर बना दिया। लेकिन फिर अचानक से एक विचित्र घटना हो जाती है। इलेक्शंस जीतकर दिल्ली के सीएम बनने के सिर्फ 49 डेज के अंदर, यानी कि 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। रीजन, एक्चुअली 28 अगस्त 2011 को अन्ना मूवमेंट खत्म हुआ था और पूरे देश में लोकपाल बिल पास हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये थी
कि ये बिल पूरे इंडिया में तो पास हो गया, लेकिन दिल्ली जहां पर ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वहीं पर ये पास नहीं हो पाया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि केजरीवाल तब एक कोएलिशन गवर्नमेंट की मदद से इलेक्शन जीते थे और उनकी कोएलिशन पार्टीज ने इस बिल को सपोर्ट ही नहीं किया, जिस वजह से सीएम बनकर भी इस जन लोकपाल बिल जो स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए लाया गया था उसे ही वो पास नहीं कर पाए। और इसीलिए इसे अपना एक फेलियर समझते हुए केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। अब क्योंकि केजरीवाल मॉरल ग्राउंड्स पर रिजाइन करने तक को भी राजी हो गए थे, इसीलिए जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। जिस दिन जो उनकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की बहुत बढ़िया थी, कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पा रही थी, वो उन्होंने 49 डेज में कर दिया, अच्छी सरकार थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2015 यानी अगले दिल्ली इलेक्शंस में वो बहुमत के साथ यानी कि 70 में से 67 सीट्स सिंगल हैंडेडली जीत कर आए, यानी कि उन्हें अब किसी भी और पार्टी के साथ कोएलिशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब सीएम पद पर आते ही इनकी सरकार ने सबसे पहले दिल्ली के पिछले किसी भी सरकार के कंपेरिजन में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया, जिसे आप ये चार्ट देखकर समझ सकते हो। फिर हेल्थ केयर सेक्टर में भी इन्होंने 400 प्लस मोहल्ला क्लिनिक्स भी खोले, जिस वजह से क्लेम्स ये है कि दिल्ली में डेंगू के केसेस 90% से गिर गए। ये क्लिनिक्स बेसिकली हर मोहल्ले में छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जिसमें पेशेंट्स के बेसिक इलाज होते हैं। और फिर इन्होंने फ्री 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और 20,000 लीटर्स फ्री पानी देना शुरू कर दिया, और इन्होंने औरतों के लिए भी मेट्रो और बस राइड बिल्कुल फ्री कर दिया। फिर आया साल 2020 का इलेक्शंस, जब केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से अपना सीएम बना दिया। लेकिन अगर हम गौर करें तो थर्ड टर्म में इनकी सीट्स कम हो गई थी। सो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे? वेल, कुछ वजहें थी जो 2014 से अंदर ही अंदर चलते आ रही थी, जिनका दबाव केजरीवाल जी के करियर पर पड़ना शुरू हो गया। देखो, एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी को इतनी तरक्की मिल रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ इनके नेताओं पर ऑपोजिशन पार्टीज ने मेजर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो ऑपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल एक अमेरिका के CIA द्वारा प्लांटेड एजेंट है। प्रेस नोट जारी हुआ है जिसपे केजरीवाल को अमेरिका का एजेंट करार दिया गया। अब उन्हें CIA एजेंट बुलाने के पीछे दो मेजर रीजंस थे। पहला, उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका के CIA द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से मेजर फंडिंग्स आ रही थी। जैसे साल 2000 में जो NGO केजरीवाल ने खोला था ना, परिवर्तन, उसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से $80,000 की फंडिंग मिली थी। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फंडेड है फोर्ड फाउंडेशन से, और इन टर्न फोर्ड फाउंडेशन फंडेड है CIA से। और ये बात कि फोर्ड उनसे फंडेड है, ये CIA ने खुद अपने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में बताई है। फिर साल 2002 में तो फोर्ड फाउंडेशन ने खुद डायरेक्टली भी परिवर्तन को फंड किया था। इसके ठीक 2 साल बाद केजरीवाल को अशोका फेलोशिप भी मिलती है, लेकिन रिपोर्ट्स आई कि अशोका फेलोशिप भी फोर्ड द्वारा ही फंडेड थी। इसके भी फिर ठीक 2 साल बाद उन्हें रेमोन मैक्सेसे अवार्ड भी मिलता है। ये अवार्ड यूं समझ लो सोशल एक्टिविज्म की दुनिया में ऑस्कर के बराबर है। और यही सब देखकर ऑपोजिशन वाले ये एलिगेशंस लगाने लग गए कि ये अवार्ड भी एक प्रूफ है कि केजरीवाल CIA द्वारा ही फंडेड है, क्योंकि CIA के खुद के एक लीक डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये रिवील किया है कि मैक्सेसे अवार्ड किसको और क्यों मिलता है, ये पूरा कंट्रोल CIA के ही हाथ में रहता है। अब ये साल 2006 वही साल था जब केजरीवाल जी ने अपनी नौकरी छोड़कर कबीर और PCRF NGO खोलकर सोशल एक्टिविज्म में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए थे। दूसरा रीजन है NGO कबीर और सिमरत ली की डायरेक्ट फंडिंग। अब इसमें भी कई ऐसे आरोप लगे कि NGO कबीर को भी फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिल रही है, बट इसमें ऐसे भी एलिगेशंस लगे थे कि सिमरत ली नाम की एक CIA एजेंट NGO कबीर के लिए डायरेक्टली काम कर रही है, और वही इस NGO के थ्रू केजरीवाल का पॉलिटिकल प्लान ऑफ एक्शन भी डिक्टेट कर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे देश में क्या काम करेगी और क्या नहीं, ये डिक्टेट कर रही थी एक CIA एजेंट सिमरत ली। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फोर्ड के एजेंट सिमरत ली जिनके संबंध अरविंद केजरीवाल से और लगातार उनके संपर्क में भी रही है, केजरीवाल के लिए उन्होंने बकायदा काम किया है। अब दिल्ली के डेवलपमेंट पे बात करते हुए ऑपोजिशन का ये कहना था कि पहली बात तो ये जो हर चीज फ्री में दिल्ली की जनता को बांटी जा रही है ना, उसका खर्चा असल में सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली का भी हाल बहुत ही जल्द पंजाब जैसा हो जाएगा। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने पंजाब में भी इतने फ्रीबीज दे दिए हैं कि आज उस स्टेट की GDP 50% डेट में है,
और दिल्ली में ये हाल अब तक सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली बीइंग अ यूनियन टेरिटरी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पुलिस को सारे फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आते हैं ना कि दिल्ली की गवर्नमेंट से। दूसरी बात, ऑपोजिशन का ये भी आरोप था कि ये जितना भी डिवेलपमेंट हो रहा है ना उसका कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रूफ नहीं है और ये क्लेम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर रही है। फिर नेक्स्ट आम आदमी पार्टी प्रॉब्लम में फंसी 2015 में क्योंकि इसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के स्कैम्स एक्सपोज होने लग गए वन बाय वन। जैसे इनका सबसे पहला स्कैम 2015 का एडवर्टाइजिंग स्कैम जिसमें एलिगेशंस थे कि मनीष सिसोदिया जी ने गवर्नमेंट के 500 करोड़ रुपयों को आम आदमी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट और कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक ऐसे ही 2016 में आम आदमी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पर लगा 500 करोड़ का बस स्कैम का आरोप। दिल्ली में ऐप बेस्ड प्रीमियम बसों को सर्विस योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आज दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय आरोप है कि प्रीमियम बस सर्विस का नोटिफिकेशन बिना एलजी की मंजूरी के जारी किया गया। 2017 में तो इनके लॉ मिनिस्टर पर लग गया फर्जी डिग्री लेकर इलेक्शन जीतने का स्कैम। 2018 में तो आम आदमी पार्टी की पूरी गवर्नमेंट पर 1.5 लाख किलो के राशन स्कैम का भी आरोप लगा और ऐसी पूरी लिस्ट पड़ी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। लेकिन इन्हीं स्कैम्स की लिस्ट में एक मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 2022 में खुद अरविंद केजरीवाल पर ही 100 करोड़ से ज्यादा के स्कैम का एलिगेशन लग गया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम, इसमें ईडी का ये तक कहना है कि इन्हीं स्कैम्स के पैसों को आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में भी यूज किया है। और बाय द वे ये वही केस है जिसके सिलसिले में आज केजरीवाल जी जेल में कैद है। और फिर उनके अरेस्ट होने यानी 21 मार्च 2024 के बस 6 दिन बाद यूएसए में बैठे खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू का ये वीडियो भी वायरल हो गया। 2014 तो लेके आज ताई $16 मिलियन खालिस्तानी पक्षी तिराने दिता ए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाउन नू। इसमें पन्नू ने प्रूफ्स के साथ ये क्लेम किया कि आम आदमी पार्टी के कई कई नेताओं ने उनके साथ यूएसए में मीटिंग की, पन्नू से पूरे 125 करोड़ की फंडिंग ली जिसके बदले में उन्होंने ये वादा किया था कि वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट भुल्लर को छुड़वा देंगे। और इन्हीं एलिगेशंस के साथ ये लेटर भी सोशल मीडिया में एकदम से वायरल हो गया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी खुद ये कन्फेस कर रहे हैं कि यस उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था भुल्लर को छुड़वाने के लिए। इसी कारण से जब इनकी पार्टी पंजाब इलेक्शन लड़ने जा रही थी तब खालिस्तानी टेरर को खत्म करने वाले केपीएस गिल जी ने भी आम आदमी पार्टी पर यह इल्जाम लगाया कि रेडिकल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर हम शुरुआत से देखें तो आज आम आदमी पार्टी के लिए वक्त ऐसे बदल गया कि अन्ना हजारे जो केजरीवाल के नेशनल लीडर बनने में उनके गुरु थे, अब उनका खुद का ये कहना है कि उम्मीद है कि आने वाले आंदोलन से फिर से एक बार कोई केजरीवाल ना निकले, दोबारा केजरीवाल ना बने, इसलिए मैंने अभी जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करके देंगे। अच्छा कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं किसी पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं पक्ष और पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, मैं मेरे देश की सेवा करूंगा। अभी किसी ने पक्ष और पार्टी में जाने का कोशिश किया तो उनको कोर्ट में खींचूंगा, अफिडेविट है ना, जेल में भेजूंगा। फिर आम आदमी पार्टी के फॉर्मर नेताओं ने भी कई बार मीडिया में ये बयान दिया है कि उन्होंने गलत आदमी पर विश्वास किया क्योंकि 68 सीट से इलेक्शन जीतने के बाद केजरीवाल जी के विचार ही बदल गए। गलत ये हुआ कि हमने गलत आदमी के पीछे चले गए। अब केजरीवाल ने गलत ये किया कि जब वो जीत गया इलेक्शन 67 सीट से तो उसके विचार बदले। मतलब आज सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि एक तरफ उनके खुद के पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये वो पार्टी नहीं रही जिसके लिए हम आए थे, ये वो पार्टी नहीं रही जिसके लिए हम आए थे, इसने देश की आशा और आकांक्षाओं को धोखा दिया है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ केजरीवाल सपोर्टर्स का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मेरे हिसाब से तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी हत्या है मैं मानता हूँ। ये सब कुछ बीजेपी की एक साजिश है इलेक्शन से पहले एक एक करके अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को मैदान से साफ करने की, भारत में अल्टीमेटली तानाशाही लाने की। अब गाइस एज ऑलवेज मेरे हिसाब से सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में है और पॉलिटिक्स का तो आपको पता ही है हर वो चीज जो दिखती है असलियत तो कुछ अलग ही होती है। सो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन सही है कि क्या केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है या उल्टा केजरीवाल जी आम आदमियों को हमारे देश को मॉडर्न डे गांधी जी का इमेज धारण करके फंसा रहे हैं? कमेंट्स में नीचे शेयर करना अपनी राय। लेकिन व्हाट आई बिलीव इसकी ऐसे केसेस से भारत के हर एक नेता को सीख लेनी चाहिए कि लोग आज बेवकूफ नहीं है, इलेक्शन से पहले जो भी वादे करोगे उसे पूरा करना ही चाहिए।
वरना आज सोशल मीडिया के टाइम में पूरी सच्चाई सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और एक बार जनता का भरोसा अगर किसी ने गवा दिया तो जनता दोबारा से कभी वो भरोसा उसे नहीं दे पाएगी। जनता का वोट लॉन्ग टर्म में मैनिपुलेशन से नहीं, डेवलपमेंट से ही मिलता है। पीएम हो या सीएम, ये गद्दी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन नहीं, और ये सच्चाई आज देश के हर पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की जरूरत है। रही बात डेवलपमेंट की, तो हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा काफी गर्म था। एक तरफ बीजेपी का यह कहना है कि इस बॉन्ड स्कीम से इलेक्शन डोनेशन अमाउंट्स में और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और ब्लैक मनी कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन, जिनका कहना है ये कंप्लीटली इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। अब सच्चाई क्या है ये मैंने बिल्कुल ही अनबायस तरीके से इस वीडियो में कवर किया है, जो आप यहां पर कहीं क्लिक करके उस पूरे वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप क्वेश्चनिंग एंड स्टे रैशनल। जय हिंद।